हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में। अगर हम पिछले साल के नवंबर महीने से कंपेयर करें तो लगभग सारी कार ब्रांड्स की सेल अच्छी ही हुई है, कुछ कुछ की बुरी भी हुई है। तो दोस्तों, 14th पोजीशन पर है फोर्स मोटर्स। इस कंपनी ने सिर्फ 125 कार्स ही सेल की है, उसमें भी सिर्फ गुड़ाई ही होंगी। 13th पोजीशन पर है सिट्रॉयन को देखा जाए तो इस ब्रांड ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। इनकी टोटल सेल है 635 यूनिट, जो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो ये सिर्फ 50-60 यूनिट ही सेल कर पाती थी। 12th पोजीशन पर है जीप। इस ब्रांड ने सिर्फ 982 यूनिट सेल की है। पहले जीप के पैर इंडिया में सिर्फ कंपास के ऊपर टिकी हुई थी, बट अब इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो गया है, जैसे जीप मेरिडियन, जीप ग्रैंड चिरोकी। ग्रैंड चिरोकी के स्पेक के बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कमाल के ऐप का नाम बताना चाहता हूँ। इसका नाम है अपस्टॉक्स। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, अपस्टॉक्स इंडिया के लीडिंग ब्रोकर्स में से एक है। साथ ही दोस्तों, अपस्टॉक्स फंडेड है सर रतन टाटा द्वारा, तो आप इसके ऊपर आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। इस ऐप से आप बड़े ही आराम से शेयर्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग समझ नहीं भी आता है, तब भी आप इस ऐप से लाखों रुपए आराम से अर्न कर सकते हो। दोस्तों, अपस्टॉक्स आपको देता है पर रेफरल 200 रुपीज तक, और दोस्तों ये समय के साथ बढ़ते ही रहता है। कुछ दिनों पहले अपस्टॉक्स पर रेफरल 1000 रुपीज तक दे रहा था। दोस्तों, आपने तब तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, बट अब मत कीजिएगा, जल्दी से जाइए और अपस्टॉक्स में अकाउंट खोल के अपने दोस्तों को रेफर करके आराम से हजारों रुपए कमाइए। आपने बस अपने 10 दोस्तों को रेफर करना है, उन्होंने आपके दिए हुए लिंक से अगर अकाउंट खुलवा लिया तो आप बिना मेहनत ही आराम से 2000 रुपए तक कमा लोगे। दोस्तों, अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 11th पोजीशन पर है निसान। इनकी टोटल सेल है 2643 यूनिट सेल हुई है। आमतौर पर निसान बड़े ही प्यार मोहब्बत से 3-4 हज़ार यूनिट सेल कर लेती है, पर अब काफ़ी कम हो गई है। 10th पोजीशन पर है MG मॉडल्स गैराजेस। MG की टोटल सेल है 3666 यूनिट। जल्द ही हेक्टर का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, फिर शायद इनकी कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे 9th पोजीशन पर है रेनॉल्ट। इनकी टोटल सेल है 6330 यूनिट्स। अगर बाकी मंथ से कंपेयर करें तो पिछले मंथ में इनकी सेल 8-9 हज़ार तक थी, बट अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जहां तक मैंने सुना है, रेनॉल्ट की सर्विस भी काफ़ी अच्छी नहीं। अरे भाइयों, अगर आप गाड़ी अच्छा नहीं बना पाते तो कम से कम सर्विस तो अच्छा दिया करो। 8th पोजीशन पर है स्कोडा एंड फॉक्सवैगन। दोनों ही इस बार इन ब्रांड का डेटा सेपरेट नहीं आया है, दोनों एक कंबाइंड होके ही आया है। दोनों ब्रांड्स मिल के सिर्फ 6316 यूनिट सेल की है। शायद सिंगल सिंगल बताने में शर्म आ रहा होगा। एनीवेज, ये तो हो गई मजाक की बात, बट इन दोनों ही ब्रांड्स की गाड़ियां अब काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती हैं, और सेफ्टी में भी कुशाक एंड टाइगो इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट कार में से एक है। 7th पोजीशन पर है होंडा। होंडा की टोटल सेल है 6600 यूनिट्स। इनकी भी सेल डिक्लाइन होती ही जा रही है। होंडा सिटी और होंडा WRV के ऊपर मैंने एक छोटा सा रिव्यू वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। 6th पोजीशन पर है टोयोटा। इन्होंने 11,945 यूनिट सेल की है। इस ब्रांड के तो अपने ही मजे नहीं मजे हैं भाई, ये प्रोडक्ट में अपना कुछ ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करते। अब जाके इन्होंने अपना कुछ नया लाया है, इनोवा हाईक्रॉस, वो भी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। बाकी तो अगर इनको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो ये बस मारुति की जगह अपना लोगो चिपका देते हैं और बस हो गया। अगले नंबर पर है किया मोटर्स। इनकी टोटल सेल है 90,301 यूनिट। सेल्टोस का फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है, फिर इनकी सेल आसमान छुएगी। हाल फिलहाल में मैंने सोनेट का एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज वाला वेरिएंट का वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। 4th पोजीशन पर है अपने देश का लोहा, नन अदर देन महिंद्रा। इनकी टोटल सेल है 28,127 यूनिट्स। अभी महिंद्रा की प्रोडक्शन लाइनिंग में थोड़ा बूस्ट अप आया है, इनकी सेल और हो सकती थी, बट डिलीवर ही नहीं कर पाते तो होगी कैसी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स। इनकी टोटल सेल है 40,251 यूनिट। आप अंतर देख सकते हो टाटा और महिंद्रा में, ऑलमोस्ट टाटा ने महिंद्रा का डबल सेल किया है। इसका एक रीज़न है महिंद्रा की प्रोडक्शन लाइनिंग एंड टाटा की प्रोडक्शन लाइनिंग। हाल फिलहाल में टाटा ने फोर्ड का प्लांट टेक ओवर कर लिया है, जिससे इसकी प्रोडक्शन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे और एक काफ़ी अच्छा फायदा भी हुआ है उन बेचारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स का, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोनी नहीं पड़ी, जो काफ़ी एक अच्छा काम हुआ है। 2nd पोजीशन पर है हमेशा की तरह ह्युंडई। इनकी टोटल सेल है 44,539 यूनिट, जो सिर्फ 45 यूनिट्स ज़्यादा है टाटा से।
अब ऐसा ही चलता रहा तो टाटा सेकंड लार्जेस्ट ये कंपनी बन जाएगी ऑटोमोबाइल में। मैं तो कहता हूँ टाटा की गाड़ियों के साथ साथ टाटा के शेयर्स में भी इन्वेस्ट करना चालू कर दो। पैसा ही पैसा होगा। और फर्स्ट पोजीशन पर है इस ब्रांड का, अगर नाम ना भी बताओ तो भी आप लोग जान जाओगे। तो चलिए ब्रांड का नाम इस बार नहीं बताता हूँ। इनकी टोटल सेल है 1,22,529 यूनिट्स। अगर हम टाटा महिंद्रा और ह्यूंडई को अगर एक साथ कंबाइंड भी कर दें तब भी इनकी टोटल सेल मारुति को बीट नहीं कर पाएगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मारुति की गाड़ियाँ टैक्सी में यूज होती है, तो टैक्सी वाले इनका माल बुरा बुरा भर के खरीद लेते हैं। तो दोस्तों ये थी बेस्ट सेलिंग कार की रिपोर्ट। और दोस्तों जाने से पहले अफटॉक्स में अकाउंट खोलना मत भूलिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर अपनी गाड़ी के लिए अगर आप कोई यूजफुल एक्सेसरी चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग। Every day I get lost in the words I say. I don't push pods, no I push play. I won't stop till I make a change.